अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई रिजल्ट बनाया है फॉर स्कूल और एनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो आपके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उसका अगर आप KPI फाइंड करना चाहते हैं, कैसे फाइंड करेंगे बाई यूजिंग MS Excel, तो ये पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स। सो ध्यान से देखिएगा और अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ मेरे पास डाटा है, ये स्कूल का नाम है, जो एग्ज़ामिनेशन हुए हाफ ईयरली सेशन है, क्लास फर्स्ट का रिज़ल्ट है। यहाँ पर हमने बच्चों का नाम, रोल नंबर लिया है, नाम लिया है, पीरियोडिक टेस्ट लिया है, इंटरनल असेसमेंट लिया है, हाफ ईयरली लिया है और उनका टोटल किया है। ये क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं, बाकी डिपेंड करता है आपकी कौन सी क्लास है उसके अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपका क्रिटेरिया सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। सो इसको ध्यान से देखिएगा। आप देखिए जो आपके ये मार्क्स होंगे जिनका आपने QPA फाइंड करना है, ये हाफ ईयरली के आपके ऐड होंगे। अगर एनुअल है तो एनुअल के आपके जो मार्क्स रहेंगे उनका ग्रैंड टोटल होगा डाउन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मार्क्स है आपके, ये हर एक बच्चे ने जो मार्क्स है सिक्योर किए हैं, तो हम इसी पूरे जो मार्क्स हैं इन सभी को लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट जो सेल है ब्लैंक उसको भी इंक्लूड कर लेंगे और होम टैब में जाकर यहाँ से आप ऑटो सम कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन सभी का जो सम है मेरा यहाँ पर आ गया है। और आपने ये भी देखना है कि जो क्लास में है कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। अब जैसे ये देखिए, इस बच्चे ने और ये बच्चे ने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हाफ ईयरली, तो हम इनका जो काउंट है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले मैं आपको QPA का फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। QPA का फॉर्मूला होता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल किसका? पूरा जो आपका एनुअल है या हाफ ईयरली है, डिवाइडेड बाय आप इसमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मल्टीप्लाई बाय जो आपके मार्क्स हैं वो कितने में से हैं। जैसे ये जो मार्क्स हैं ये 40 में से हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे। ये हमारा हो गया और इनटू 100 कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए, मैं जूम इन कर देता हूँ। अब ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ग्रैंड टोटल हमने फाइंड कर लिया, ये मैंने आपको बता ही दिया आपने कैसे कैलकुलेट करना है। यू कैन ऑल्सो यूज़ कैलकुलेटर टू फाइंड QPI। तो यहाँ से मैंने टॉप से लेकर डाउन तक सेलेक्ट करिए, सारे जो हमारे हाफ ईयरली के मार्क्स हैं सभी का ग्रैंड टोटल कर लिया और यहाँ पर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 36 हैं, जितने में से 34 ने एग्ज़ाम दिया, इनटू कितने में से मार्क्स हैं, 40 में से मार्क्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ये जस्ट आप एक फॉर्मूला लगाएंगे बाकियों का ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए। तो देखिए, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये मैंने ग्रैंड टोटल फाइंड कर लिया और यहाँ से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं और जितने में से मार्क्स हैं। तब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी एक्सेल में स्प्रेडशीट में फॉर्मूला लगाने के लिए, बेशक आप लाइवर ऑफिस यूज़ कर रहे हैं या आप MS Excel यूज़ कर रहे हैं और एनी अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप इक्वल टू का यूज़ करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मूला। उसके बाद आप ग्रैंड टोटल चूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय, ये इसमें मैंने दोनों इंक्लूड कर लिया जिसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 100। तो मेरी 91 point something QPA आनी चाहिए। तो जब मैंने एंटर किया तो ये देखिए 91 point जितने भी मेरे यहाँ पर आ रही है QPA। यहाँ से आप डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। मुझे 1 decimal point चाहिए तो ये फर्स्ट की आ गई 91.1 QPA। ये कॉन्सेप्ट चेक की है, इंग्लिश की है, बाकी मुझे फाइंड करने हैं। इसी को आप कॉपी कर लीजिए। ये जो हमारा ग्रैंड टोटल दूसरा है ये किसका है, हिंदी का, इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। इसकी आ गई 90.9 और तीसरा भी हमारा जो यहाँ पर है दिस वन, ये हमारा है इंग मैथ्स का। बाकी अगर आपकी सीनियर क्लासेस हैं, जैसे मैं बोल रहा था सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी,
उसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स से पहले रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और पंजाबी। अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट रखा है लाइक ICT और एनी अदर सब्जेक्ट, तो उसके आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे, तो ये प्रोसेस रहेगा। तो इनकी जो QPI, ये हमारी QPI यहाँ पर कैलकुलेट होगी 91.1, ये हमारी इंग्लिश की है, हिंदी की दिस वन है, मैथ्स की दिस वन है, ऐसे ही आप बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर ऑल ओवर QPI कैलकुलेट करेंगे, टोटल तो हमारा ग्रैंड टोटल सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो मार्क्स हैं हमारे, ये हैं 150 में से, तो इक्वल टू 34 स्टूडेंट्स हैं इनटू 150 में से मार्क्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो इनका ग्रैंड टोटल है वो 150 में से यहाँ से 40 था। तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला सेम ही रखेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखिए जो हमारी ऑल ओवर QPI है वो आ रही है 93.4। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर में, सो डैट यहाँ पर क्लियर हो जाए। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। ये मेरी इंग्लिश की आ गई, ये हिंदी की आ गई, ये मैथ्स की आ गई, देन अप टू साउंड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सेम लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने ऑल ओवर जो QPI है क्लास की वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो ये था हमारा प्रोसेस बाय यूजिंग एक्सेल, आप कैसे QPI फाइंड करेंगे इन MS एक्सेल और एनी अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उसको करके देखिए। अगेन मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ QPI का, जितने आपके मार्क्स हैं ग्रैंड टोटल एनुअल या हाफ ईयरली का, 50, 80, जितने भी आपके मार्क्स हैं, अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करें, अगर 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है या आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू जितने में से आपके मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे। लाइक दिस वन, ये जो मैंने किया है यहाँ पर, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था, दोनों में इनटू से, जितने स्टूडेंट्स से और जितने में से मार्क्स से, और यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये सेम फॉर्मूले को मैंने यहाँ डिफरेंट सेल्स में अप्लाई कर दिया और मेरी QPI आ गई। अब यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट स्पेशल में मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ, और बाकी का जो डाटा है उसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, बिकॉज़ मुझे रिजल्ट चाहिए था, रिजल्ट मेरा कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ से डिक्रीज कर देता हूँ। सो ये देखिए कितना इजी वे है QPI फाइंड करने का। सो उसको करके देखिए, इफ़ यू फाइंड एनी एरर और एनी काइंड ऑफ डाउट जो आप इसमें फाइंड करने में, QPI फाइंड करने में फेस करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, और जब भी हम अवेलेबल हुए तो आपके क्यूरी का, प्रॉब्लम का सलूशन एज सुन एज पॉसिबल आपको बता देंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैलेबल टाइम।